Assalamu alaikum. This video is also relating with the same unit, uh, basic elements of a short story. And uh, this uh, paragraph of the same unit is uh, uh, sharing some kind of another information which is uh, different from others' paragraphs. Okay, uh, so let's uh, start. But then stories also convey psychological reality. लेकिन तभी जो है शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं या कहानी जो है कोई किसी भी तरह की वो नफसियाती हकीकत को भी बयान करती है यानी कि इंसान की जहन की जो हकीकत है जहन की क्या कैफियत है जहनीत जहन, जहन, क्या है सॉरी जहनीत क्या है वो भी कन्वे करती है मच ऑफ वॉट हैपन्स इन द मॉडर्न स्टोरी हैपन्स इन कैरेक्टर्स माइंड ज़्यादातर क्या होता है आज की जदीद दौर में आज की आजकल की जो राइटर्स हैं आजकल के जो लिखने वाले हैं नए जदीद राइटर हैं उन्होंने अपना थोड़ा सा मोड ऑफ राइटिंग चेंज कर दिया है यह हमारी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक वीडियो में ये बात शेयर की है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हटा दिया है जदीद राइटर ने तो उस तरह से वो चीज़ इस पैराग्राफ में भी है ये बताया जा रहा है कि मच ऑफ वॉट हैपन्स इन द मॉडर्न स्टोरी हैपन्स इन द कैरेक्टर्स माइंड ज़्यादातर क्या होता है कि आज के जदीद कहानी में वो किरदार के दिमाग में होता है जो उसमें किरदार है उसमें उसके दिमाग में चल रहा है ठीक है इन द इंटीरियर वर्ल्ड यानी कि उसका एक अंदरूनी दुनिया है उसकी एक अंदरूनी दुनिया है किरदार की दिमाग में एक दुनिया चल रही है किरदार अपने अंदर एक दुनिया लेकर के चल रहा है ठीक है देयर फॉर इन अटैम्प्टिंग टू रिवील द ड्रामा ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसीलिए राइटर जब ये अटैम्प्ट कर रहा है यानी कि राइटर जब एक चीज़ लिख रहा है कि वो किरदार की कॉन्शियसनेस को जाहिर कर रहा है लिखते हुए ठीक है उसको एक अलग दुनिया मिल गई है जिसे उसे जाहिर करना है कहानी में वो दुनिया है किरदार की असली अपनी जहानत जिसे उसे जाहिर करना है मैनी मॉडर्न राइटर्स हैव स्टॉप स्ट्रेसिंग द ऑर्डरली प्रोग्रेशन ऑफ प्लॉट्स इस सिलसिले में इस चीज़ पे ज़ोर देते हुए दबाव देते हुए बहुत सारे राइटर ने क्या किया बिल्कुल ही बंद कर दिया किसको प्लॉट की जो एक सजावट होती है किस तरीके से प्लॉट को हमें कहानी का जो प्लॉट होता है उसे किस तरह से ऑर्डर में रखना है उस उसके ऊपर दबाव देना बिल्कुल ही बंद कर दिया हैव प्लेट डाउन हैव प्लेट डाउन एक्सटर्नल एक्शन एंड ऑफन अबेंडन फोटोग्राफिक रियलिज्म इन फेवर ऑफ़ अ मोर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रियलिज्म ठीक है और उन्होंने एक ऐसा अंदरूनी एक्शन ले लिया है जिसने अक्सर ऐसा किया बिल्कुल ही फोटोग्राफिक रियलिज़म को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया और किस किसके ऊपर उसने उन्होंने इसको तरजीह दे दी मोर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रियलिज़म के ऊपर यानी कि बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा पेचीदा पेचिदा जा, जहानत का जो एक रियलिज़म था उसके ऊपर उन्होंने उसको तरजीह दे दी और जो है उन्होंने बंडन ही कर दिया फ़ोटोग्राफिक रियलिज़म को भी उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया प्लॉट ऑर्डरली प्रोग्रेशन को भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और उन्होंने जो न्यू राइटर्स हैं मॉडर्न राइटर्स हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रियलिज़म को तरजीह दी ठीक है ये पैराग्राफ ये बता रहा है ये दो पैराग्राफ जो प्रीवियस वीडियो है मेरी वीडियो नंबर फिफ्टीन आई थिंक फिफ्टीन और सिक्सटीन आप चेकआउट कर सकते हैं फिफ्टीन भी देख सकते हैं और सिक्सटीन भी देख सकते हैं फिफ्टीन एंड ऑल्सो अबाउट द सेम यूनिट एंड दो डेफिनेटली हेल्प यू टू कम्प्लीट योर आंसर और ये दो वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आप पॉइंट बना कर भी, भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और ये यूनिट को ख़त्म करते हैं और मुझे लगता है कि आप जितने भी सुनने वाले हैं उन्हें समझ में आएगा और इग्नो की स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्प होगा तो जजाकला